इस वक्त एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे की मौत की खबर ने हर किसी के पैरों तले जमीन को खिसका दिया है। 2 फरवरी की सुबह जैसे ही पूनम पांडे की टीम की तरफ से उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम से उनकी मौत की न्यूज को शेयर किया गया, लोग हैरान रह गए। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या वाकई सच में पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं है। लोग तो क्या इंडस्ट्री में पूनम के साथ काम कर चुके कई स्टार्स ने भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि कल तक सभी के बीच मौजूद पूनम अब इस दुनिया में नहीं है। कई सेलिब्रिटीज तो अभी भी इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं और पूरी तरह से शॉक में हैं। तो कुछ स्टार्स ने पूनम की मौत की खबरों पर रिएक्ट किया है। एलिगोनी ने ट्विटर पर लिखा, रेस्ट इन पीस पूनम, हैशटैग पूनम पांडे। तो वहीं बिग बॉस का हिस्सा रह चुके तहसीन पूनावाला ने लिखा है, आई रियली होप द न्यूज ऑफ पूनम पांडे इज अनट्रू, ट्राइंग टू गेट थ्रू हर, स्पोक टू हर रिसेंटली एंड वी वर जोकिंग एंड डिड अ ग्रेट शो विद माधव ऑन टाइम्स नाउ। तो वहीं विरल भियानी के इंस्टाग्राम पर पूनम की मौत की खबर को पोस्ट किया गया था, जहां कई और स्टार्स ने भी रिएक्ट किया है। बख्तियार ने शॉकिंग वे में लिखा, व्हाट गॉड RIP my friend। तो वहीं JD मजीठिया ने लिखा है, No, OMG, RIP Poonam, cervical cancer is the second largest cancer, threat to the lives of girl and woman. This year, national budget has a special mention and provision for vaccine. This is supposed to be given to a girls from 9 to 14. Please spread this awareness to give a right Shraddhanjali to Poonam Pandey. आपको बता दें कि पूनम पांडे की टीम ने न्यूज 18 को कंफर्म किया है कि बीती रात को एक्ट्रेस का निधन हो गया। वो सिर्फ 32 साल की थी। ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने होम टाउन कानपुर में आखिरी सांस ली थी। आपको बता दें कि पूनम का जन्म 11 मार्च 1991 को कानपुर में हुआ था। वो मॉडल और एक्ट्रेस थी। उन्होंने साल 2013 में नशा मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वो आखिरी बार द जर्नी ऑफ कर्मा मूवी में नजर आई थी। टीवी की बात करें तो उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 13 और कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में पार्टिसिपेट किया था।